चिराग पासवान के पास कुल कितनी चल अचल संपत्ति है? किस किस कंपनी के शेयर होल्डर या डायरेक्टर हैं? खाते में कितने रुपए जमा हैं? कितनी कार के मालिक हैं? हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा से हमसे जुड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं कि चिराग पासवान ने अपने हलफनामे में क्या क्या मेंशन किया है। सर, क्या है चिराग पासवान का नेटवर्थ? देखिए, हर चुनाव से पहले हलफनामा देना पड़ता है कि आपके पास कितनी चल अचल संपत्ति है। और चिराग पासवान ने हाजीपुर से नामांकन किया है, उसी में जो एफिडेविट दाखिल किया है उसी से पता चला है कि चिराग पासवान की नेटवर्थ क्या है, चिराग पासवान के पास कितना सोना है, कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, कितना कैश जमा किया है, कितने बैंक अकाउंट है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों को। देखिए, 2 मई को हाजीपुर से चिराग पासवान ने नामांकन किया। एलजेपी के वो उम्मीदवार हैं, एलजेपी रामविलास के और एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। समाहरणालय परिसर स्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कई केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, रामा सिंह और रामकृपाल यादव, वीना देवी जो वैशाली की सांसद थे, तमाम लोग वहां पे शामिल हुए। नामांकन दाखिल करने के दौरान जब प्रॉपर्टी आदि के बारे में जानकारी दी है उस पर नजर डालें तो उसमें चिराग पासवान 6 कंपनियों के शेयर होल्डर या उसके डायरेक्टर हैं, ये दर्शाया गया है। इसके अलावा उनके पास 2,68,75,873 रुपये की चल अचल संपत्ति है। निवेश के बारे में भी चिराग पासवान ने जानकारी दी है। चिराग पासवान ने जो निवेश के बारे में जानकारी दी है तो वो ये है कि अलग अलग कंपनियों में 35,91,000 रुपये चिराग पासवान ने इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किए हैं। इसके अलावा चिराग पासवान के पास 3 बैंक अकाउंट है जिसमें 77,90,278 रुपये जमा है। इसके अलावा चिराग पासवान गोल्ड के भी शौकीन है तो 250 ग्राम गोल्ड है उनके पास, यानी सोना है। चिराग पासवान के पास 2 कार भी है जिसमें एक 30 लाख की फॉर्चुनर कार है और 5 लाख की एक जिप्सी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी अपने डिग्री के बारे में भी जिक्र किया है कि वो कहाँ से क्या है। सो तो उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई की है और उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर तक पढ़ाई करने के बाद मतलब छोड़ दी, हालात की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी बीटेक की। अब देखिए, हाजीपुर में 20 मई को लोकसभा का चुनाव है, 5वें चरण में हाजीपुर में वोटिंग होनी है। चिराग पासवान का मुकाबला पिछली बार जो प्रत्याशी थे शिवचंद्र राम आरजेडी की तरफ से, उन्हीं से होने वाला है। और साख की लड़ाई है, चिराग पासवान को ये दिखाना है, हार और जीत ये तय करेगा कि चिराग पासवान असल में रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी है या नहीं है। एनडीए ने मान लिया, यानी बीजेपी ने मान लिया, अब जनता को इस पर मुहर लगानी है। चूंकि चिराग पासवान वहां से कई दफे सांसद रह चुके हैं और पहली बार चिराग पासवान अकेले, चूंकि चाचा से भी उनकी अनुमन चल रही है, तो अकेले चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। रश्मि जी, सर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।